Hey guys, Garima the side and welcome back to my YouTube channel Creative Garima. कैसे आप सब? Hopefully आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज का वीडियो वाकई में यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, कहीं हम होटल में रेस्टोरेंट में अगर बैठे होते हैं तो हमसे अक्सर ना वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं, और फिर जो लोग कई बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनके पास फिर बाद में कॉल आता है कि आप ये वाला प्राइज जीत गए हैं और वगैरह वगैरह. तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है रिसेंटली. अभी हम एक जगह बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में, तो हमें वहां पे ऐसी फिल करवा रहे थे. मैं नहीं कर रही थी बट वो बंदा पीछे पड़ गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार फिल कर देते हैं. करेक्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ. मैंने इनसे कहा था फिल कर दो, क्योंकि ये काफी दिन से कह रही थी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा. मैंने कहा देखो यहाँ पे तुम फिल करोगी, देखना तुम पक्का लकी ड्रॉ जीत चुकी होंगी, तुम्हारे पास कॉल आएगा और तुम्हें मैं कुछ नया एक्सप्लोर कराता हूँ कि जो मतलब कैसे आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है. एग्जैक्टली ना, तो निखिल ने बोला था, तो मैंने कह रहा चलो ठीक है हम लोग फिल कर देते हैं. और ऐसा मुझे नहीं लगा था, ऐसा निखिल को लगा था कि कॉल आएगा, मैं तो भूल भी गई थी. तो हमें ना कॉल आया आज, और मतलब कल, मैं कई दिन से कॉल आ रहे थे बट मैंने रिसीव नहीं किए. आज हमें कॉल आया, मैंने बिल्कुल मना कर दी थी क्योंकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीजों में. लेकिन वो कॉल इतनी ज्यादा बार आता गया. फिर मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किया. मैंने सोचा कि यार ये क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो इतनी तगड़ी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते. आपको ऐसे झांसा देते हैं ना वो लोग कि आप उनकी बातों में कन्विंस हो जाते हैं. तो हमने हमें पता है कि क्या है मेरा एक्चुअली फील्ड भी साइबर अटैक्स को या मुझे पता है क्या है, तो मैं उनको दिखाने आया कि देखो क्या क्या चीजें होती हैं. तो हम लोग और आप ये सोचो कि भाई ऐसे ही पहुंच गए फ्री. हाँ हम फ्री थे, हम इसलिए आए, हमें पास टाइम था. एक्चुअली हमने ना वो टाइम भी अपने हिसाब से डिसाइड किया. उन लोग ना मैं बहुत फोन किया, पहले तो हमने मना ही कर दिया था, लेकिन हमने फिर शाम होते होते मैंने सोचा कि चलो एक बार देख के व्लॉग शूट किया जाए और एक बार इन चीजों को एक्सप्लोर करके ना थोड़ा एक्सपोज किया जाए, ताकि लोगों में ना एक अवेयरनेस क्रिएट हो इन चीजों को लेके कि भाई कुछ नहीं मिलता है. अभी तक तो हम वहां पहुंचे भी नहीं है, स्टिल हमें पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ बेवकूफ बनने वाले हैं हम लोग. और वो हमें ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी वगैरह बताएंगे, ये वो फलाना कि ऐसे ले लो वैसे ले लो, मेंबरशिप ले लो ये ले लो वगैरह ले लो, तब ये जीत गए वो जीत गए, ये सब हमें पहले से पता है. लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियलिटी अवेयरनेस क्रिएट कर और दुनिया जान के कॉल कर रहे हैं. क्यों कॉल कर रहे हैं? आप अपना फ्री का सामान ले, इतना सब फ्री की चीज दे रहे हैं और बार बार कॉल कर रहे हैं. भैया एक चीज याद रखना, वहाँ पे कभी भी आप ऐसी जगह पे जाओ तो अपना चलो आपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर उसमें वैसी वो वाला दीजिएगा जिससे आपका कहीं ओटीपी लिंक ना हो. एग्जैक्टली. दूसरा ईमेल आईडी कहीं आपको कहीं पब्लिक फोरम में देनी है, देनी पड़ेगी. मैंने कह रहा है कि इधर दो देनी पड़ेगी, तो एक ईमेल आईडी अलग रखो जिससे आपको कोई भी और चीजें लिंक ना हो. निखिल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस फील्ड, तो आप ऐसा करिए. और मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपना एक ऐसी नॉर्मल एक नंबर और एक ऐसी कोई भी ईमेल आईडी डाल दी थी. सो फाइनली वी रीच्ड एंड गाइज, हमने आपको बताया था कि हम लोग किस पर्पस से यहाँ आए हैं. और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा पर्पस कितना सफल रहा. एक एक चीज तुमसे बोली थी क्या होगा, जो भी हम लोग ने सोचा था या जो भी, मतलब ऑलमोस्ट सही था. ये सारी स्ट्रेटेजी होती है. एंड द सेकंड थिंग कि उन लोगों ने हमें वीडियो शूट नहीं करने दिया. हमने कोशिश की कि हम वीडियो शूट करें बट उन लोगों ने हमें मना कर दिया कि नहीं आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह. अदरवाइज हम डेफिनेटली वीडियो शूट, हम गए इसी पर्पस से थे कि हम वीडियो शूट करेंगे और वो हमारा पर्पस नहीं हुआ सॉर्ट. अभी बता क्या होता है. हेलो एवरीवन, सो वापस हम आ चुके हैं. आप देख सकते हैं तब हम गए थे, काफी दिन निकला हुआ था, अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि हमें क्या क्या मिला वो हम आपको बताते हैं. हाँ, पहले इससे स्टार्ट करो. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमको मिला वहाँ से क्या. एक वाउचर इन्होंने ऐसा दिया था, उस वाउचर के अंदर चार वाउचर थे, उसमें से एक सेलेक्ट करना है कि आपको बहुत जेन्युइनिटी लगे कि आप स्क्रैच किया जो आपके लकी वो है, आपको जो आ गया
आपको हो सकता है ये लोग फाइटर जेट भी या प्राइवेट जेट भी आपको उसमें दे दें जो कि आपको नहीं निकलने वाला। एग्जैक्टली ना उन्होंने हमें ऑप्शन दिए थे निकलने, राइट, उन्होंने हमें चार कूपन दिए थे कि हमें चार में से कोई एक सिलेक्ट करके उसको स्क्रैच करना है। और उसमें जब वो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि आप मार्केटिंग और टेक्निक्स क्या होती है, जब भी वो बोलता है तो आपको फोन LCD LED वैलिडी इनमें से कुछ निकल आएगा, बस यही नहीं बोलेगा वो आपको कि ये भी निकल सकता है, ठीक है। बट हमें पहले से ही पता था कि हमने कोई फोन नहीं जीतना या हमें कोई LCD LED नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद जब वो स्क्रैच अगर आप कर देते हैं, आपको वो निकल आता है, आपका जो भी प्राइस वगैरह है वो कुछ ये निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी 99.999% को यही मिलेगा, वो कोई एक होगा जिसको इन्होंने फोन दिया होगा, एक होगा जिसको इन्होंने मिक्सी दी होगी। हाँ, फोन तो तुम भूल जाओ, मिक्सी दी होगी, एग्जैक्टली ना। तो आप सबको यही मिलने वाला है, इसको बोलते चूना, ठीक है। मैं इसमें बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि आप 8,000 रुपए तक की शॉपिंग करो, मतलब ये ज्वेलरी लो कोई भी ये वाली, तो इनमें आपको 5,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक की चुनौती, ठीक है। तो हम आए एक्सप्लोर करने थे, लेकिन ये लोग बहुत चलाक थे, ये हम अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था, एक पॉइंट सॉरी, हाँ जी, मैंने इनको बोला था कि ये क्या होता है कि आपसे जब भी बात करेंगे, अरे सर हम तो आपको कुछ ले नहीं रहे, नहीं हम आपको किसी चीज के लिए मतलब फोर्स करें, बात देखो बोलो हिंदी में। अब वो यहाँ पे आके क्या होता है, हम अपनी मेंबरशिप बेच रहे हैं भाई, 3-4 हज़ार की मेंबरशिप नहीं, एक तो लाखों में बात होगी। और उसका भी एक तरीका होता है, देखो आप जब आओगे ना, आप पूछेंगे सर आप कैसे, बड़ी प्यार से, आप कैसे गाड़ी से, अच्छा कौन सी गाड़ी, अच्छा अच्छा फॉर्म भरवाएंगे, उसमें आपसे आपकी सैलरी डिटेल, आपको कितनी गाड़ी वगैरह सब पूछने की कोशिश करेंगे। बाई चांस किसी ने बोला कि भाई मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, तो उन्हें पता है कि इस बंदे को कितने से काटना है, कितने में वो अपना कन्विंस हो सकता है। और हम गए, मैं अपनी गाड़ी से गया, तो उसने उस हिसाब से हमारे रेट हाई कर दिए। आप चले जाओ BMW से, आपके रेट और हाई हो जाएंगे। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कभी भी अपनी करेक्ट डिटेल्स मत दीजिए, फिर आपको उसी हिसाब से ये लोग परेशान भी करेंगे कि ये ले लो वो ले लो, मतलब उसी हिसाब से डील करेंगे। हमने भी ऑलमोस्ट अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ भी लिख दिया था, हमने कुछ भी अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं मेंशन की थी। फिर भी जब हम यहाँ पहुंचे थे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हमसे पूछा गया था फोन पे कि आप किस से आए हैं, हमने कहा अपनी गाड़ी से आए हैं, गाड़ी हमने बाहर ही पार्क कर दी है, हम अंदर पार्क नहीं कर रहे हैं। गाड़ी कौन सी है, तो उन्होंने पूछा आपकी गाड़ी कौन सी है, हमने बताया हमारी इको स्पोर्ट है। अभी मैं आपको दूसरा वाउचर और बता देती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी कहानियां हो रही हैं क्योंकि अंदर हम दिखा नहीं पाए ना, मुझे इतना गिल्ट हो रहा है कि हमारा मोटो जो था यहाँ पर आने का वो नहीं सक्सेस हो पाया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि डायरेक्ट वीडियो बनाकर हम अगर दिखाएंगे, हमने बोला था, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें अजीब लगेगा, तो मैंने उसको ये भी बोला था कि लोगों को अजीब लगेगा तो तुम जो फॉर्म फिल करा रहे हो जो बातें कर रहे हो हम वो तो शूट कर सकते हैं, दे सेड नो। तो ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रख सकते हैं। दिस इज माई ओन चैनल क्रिएटिव गरिमा, तो यहाँ पर हम अपनी बातें रख सकते हैं, हम आपको अवेयर कर सकते हैं, और आपको अवेयर रहना जरूरी है क्योंकि ये सब बड़े बड़े शहरों में बहुत चलता है, ठीक है। इसके बाद हम ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ये कोई फ्रॉड है या कोई स्कैंडल है या कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम बस ये कह रहे हैं कि सोच समझ के, हाँ, अपने आप लालच में मत आइए, अपना डिसीजन लीजिए, हाँ, आप लालच में मत आइए। हम किसी को भी फ्रॉड नहीं कह रहे, मैं बार बार इस वीडियो में बोलती हूँ कि हम फ्रॉड नहीं कह रहे, ये कोई स्कैम भी नहीं है, आपको वो कॉल करे आप विलिंगली वहां जा रहे हो, लेकिन लालच क्या होता है, लालच ये होता है कि यहाँ पर आपको बोल रही है कि आपको चार में से ना ये एक चीज मिली जाएगी, आपको फोन लैपटॉप या कुछ मिल जाएगा। तो मिडिल क्लास जो होते हैं ना लोग, वो वही ना कि यार जिनको लगता है यार हमें कुछ मिल जाएगा, आप उसी टेंडेंसी से जाते हो। और मैं बता देती हूँ आपको, कुछ नहीं मिलता है ऐसा। देखो स्क्रैच करवाए थे हमसे चार, जिसमें से हमें ये वाला कूपन इन लोगों ने दिया है, अभी ये कौन लेगा यार, वेस्ट है ये। कहाँ कुछ ID कुछ नहीं मेंशन है इसमें, बताया बस एक साइड दे रखी है, अब जाके गूगल करते रहो कौन करने वाला है, तनिष्क जाके ले आओ डायमंड चाहिए तो। अच्छा नेक्स्ट है ये, इन्होंने एक और नेक्स्ट को ये हमें दिया है, ये सलून में जो जो चीजें होती है होते हैं, बट इसमें सलून प्लस क्लिनिक मिक्स है, दोनों चीजें, तो इसमें आपको सलून वाली फैसिलिटी भी दे रहे हैं लोग और वो क्लिनिक वाली भी दे रहे हैं। और इसमें जो प्राइस इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप देख रहे हैं तो ये 10,000 है,
10,000 रुपए में ये वाला जो आप वाउचर देख रहे हैं, इसका जो वाउचर का आप रिडीम करेंगे 10,000 तक का आप कोई भी सर्विस इनसे ले सकते हैं। ये काफी सारे शहरों में अवेलेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन लोगों ने। आई डोंट नो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमें ऐसा कुछ नंबर वगैरह या कुछ कूपन नंबर वगैरह कुछ तो दिखा नहीं है, तो पता नहीं इसको कैसे रिडीम करना है। आई डोंट नो ये वर्किंग है या नहीं। वो एक तो आपको बता ही दिया मैंने। हाँ, थर्ड वन ये है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको 3 nights 4 days का आपको स्टे मिलने वाला है। तो आप ये वाला वाउचर देख सकते हैं, ये स्टे मिलने वाला है यहाँ पर। कुछ इन्होंने ये आइडिया वगैरह कुछ दे रखी है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको कभी भी जाना है तो 10 दिन पहले एक बार कॉल करके कुछ बुक कराना पड़ेगा। स्टिल नो आइडिया ये वर्किंग है नहीं है, क्या है हमें नहीं पता, हमने अभी किया भी नहीं है, मुझे नहीं पता। तो ये हमें ये 3 वाउचर मिले हैं, और इन्होंने हमें एक बहुत ही बड़े रेपुटेटेड होटल में बुलाया था, कोई भी छोटा मोटा ऐसा होटल नहीं था, है ना, बड़ा फोर फाइव स्टार होटल था। 4 स्टार होटल भी काफी बड़ा था। आप जब जाओगे, ये जो भी इनका जो भी कार्यक्रम चल रहा था उसमें आपको बुलाएंगे। हमें बिठाया इन्होंने, इन्होंने बोला कि आपका 45 मिनट वाला कोई सेशन है। हमने पहले क्लियर कर दिया था कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने कोई भी आपका कोई भी मेंबरशिप वगैरह नहीं लेनी है। तो हम यहाँ पर पर्पस से आए हैं, पहले हमने देखा, फिर हमने उसको बताया कि हमें को वीडियो शूट करनी है, उसने मना किया, तो फिर वहीं से हमारा दिमाग खिसक गया और हमें ये मिला है यहाँ पर आके अपना टाइम वेस्ट करके। तो अब आप ये समझ जाइए इससे कि टाइम बहुत कीमती है, बस वेस्ट नहीं करने का ऐसी जगह पे आके। तो चलिए, होप ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस दिमाग से सोच समझ के काम लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यू वांट टू से समथिंग? बाय।